सलामुअलैकुम क्लास, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर का प्ले है और इस प्ले का नाम है द काउंट्स रिवेंज, जो कि हमारी बुक में मौजूद है। कौन सी बुक है? 2-1 एक्ट प्ले की बुक है, रिटन बाय J.H. वॉल्श, यानी काउंट्स रिवेंज के जो ऑथर है या ये कहने के जिन्होंने इसको लिखा है उनका नाम है J.H. वॉल्श। देखें तो अब सीन क्या है कि अब जो फर्निंग था, जो मछेरा था, उसने अपनी सारी दौलत को प्रॉपर तरीके से क्या कर लिया, स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल कर लिया। किसी को शक भी नहीं हुआ कि उसने अचानक से पूरी दौलत को एक्सपोज नहीं किया, बल्कि उसने थोड़ा थोड़ा करके क्या करा, उस दौलत का इस्तेमाल किया और फिर फाइनली जिसको हम अभी तक पढ़ रहे थे, जिसको अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम फर्नैंड मंडीगो पढ़ रहे थे, सही ना, जिसे हम मछेरा एक फिशरमैन पढ़ रहे थे, अब उसने अपनी दौलत का इस्तेमाल करते करते अपने आप को इतना अमीर बना लिया है कि अब उसका नाम मुआशरे में क्या हो गया है, काउंट ऑफ मॉर्सर्फ, सही है। अब काउंट ऑफ मॉर्सर्फ का मतलब है नवाब, सही है, यानी बहुत अमीर आदमी हो चुका है। और आप ये जानते हैं कि अब ये लोग जो है उस खचाड़ा से घर में भी नहीं रहते, बल्कि अब इन्होंने बहुत आलीशान किस्म का घर भी ले लिया है। और जो इनकी बेगम थी जिनका नाम था मर्सिडीज साहिबा, जो इनका नाम था मर्सिडीज, वो अब क्या बन चुकी हैं, चूंकि जाहिर सी बात है शौहर काउंट ऑफ मॉर्सर्फ बन गए, तो ये क्या बन गई हैं, ये बन गई हैं काउंटेस ऑफ मॉर्सर्फ बन गई, सही है। तो अब सीन क्या है कि बड़े रिच लोगों में इनका शुमार होने लगा है, बड़े अमीर लोग हैं ये, सही है ना। और आप ये जानते हैं ये लोग कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं रू डू हेल्डर पेरिस में। कहाँ रहते हैं? रू डू हेल्डर और पेरिस में रहते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा अहम बात है कि आपको ये याद रखना है इनका एड्रेस जो है वो रू डू हेल्डर पेरिस था। अब सीन ये है कि भाई नवाब बन गए, जंग में गद्दारी हो गई, सब कुछ ठीक है, जिंदगी आगे बढ़ रही है। सवाल ये सर कितनी जिंदगी आगे बढ़ गई, तो हम आपको बताते हैं कितने साल गुजर गए। 14 इयर्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, वो गुजर चुके हैं, 14 साल गुजर गए। अब सवाल ये है कि सर इन 14 सालों में क्या हुआ, तो हम आपको बताते हैं इन 14 सालों में बहुत कुछ हुआ। वो 14 सालों में क्या कुछ हुआ, पहला तो हम आपको बता देते हैं कि फर्नैंड की और मर्सिडीज की शादी हुई, एडमंड को बेचारे को जेल भेज दिया गया, सही है ना। फिर एक जंग का स्टार्ट हो गया, जंग में नुकसान भी बहुत हुआ, ठीक है ना। फर्नैंड साहब ने गद्दारियां भी की, ठीक है ना। अब ये अमीर भी हो चुके हैं, हमने बताया था इनका एक बेटा भी था जिसका नाम क्या था, अल्बर्ट था। यानी 14 सालों में बहुत कुछ बदल चुका। अब सिलसिला क्या है, सवाल ये सर वो जो हमारा हीरो था जिसका नाम था एडमंड डेंटिस, वो बेचारा कहाँ चला गया? भाई देखें जाहिरी तौर पर तो हमने एक झूठी अफवाह उड़वा दी थी कि वो मर गया, लेकिन बेसिकली वो जिंदा है। और वो जिंदा कहाँ पे है, वो डंजन में है, जीरे जमीन काल कोठरी में, जेल में है, जेल के सलाखों में, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये सर 14 साल गुजर गए, एडमंड का तो आपने हाल बताया नहीं, भाई मर्सिडीज तो बिचारी एडमंड को भूल भी चुकी, क्योंकि मर्सिडीज के सेंसेस में तो क्या हो चुका है, वो मर चुका है बेचारा। लेकिन आप ये जानते हैं एडमंड अभी भी जिंदा है और जेल में बेचारा चक्की पीस रहा है, वहीं पर रहता है। तो अब सवाल यह है सर 14 साल हो गए तो क्या बेचारा जेल में रहेगा? नहीं, हमने असल में फिल्में देखी है, हीरो कभी जेल में रह सकता है? नहीं रह सकता, हीरो को निकालना पड़ेगा जेल से। तो कहा जाता है एडमंड डेंटिस ने इन 14 सालों में कई बार कोशिश की कि वो जेल से फरार हो जाए, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। लेकिन आप ये जानते हैं कि आफ्टर 14 इयर्स, 14 साल गुजरने के बाद एडमंड डेंटिस को मौका मिला और एडमंड डेंटिस जेल से भागने में क्या हुआ, वो कामयाब भी रहा। अब सवाल ये सर जेल से क्यों भागा, क्योंकि आप कहानी का नाम ही पढ़ सकते हैं काउंट्स रिवेंज, यानी बदला लेने के लिए भागा। अब सवाल यह है कि एडमंड की जिंदगी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं। तो उसूल नंबर 1 क्या है, एडमंड का उसूल क्या था, कहता था एन आई फॉर एन आई,
यानी आंख का बदला आंख, और फिर क्या था अ टूथ फॉर अ टूथ, यानी दांत का बदला दांत। यानी एडमंड के जिंदगी का उसूल क्या था कि अगर कोई मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं भी उसके साथ वही बुरा करूंगा, उतना ही बुरा करूंगा, ना कम ना ज्यादा। तो ये एडमंड डेंटिस का उसूल था कि अगर किसी ने मेरी आंख पे मारा तो बदले में मैं भी उसकी आंख पर मारूंगा, अगर किसी ने मेरा दांत तोड़ा तो बदले में मैं भी उसका दांत तोड़ूंगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ भी वैसा ही करूंगा, उतना ही करूंगा। अब इसके लिहाज से तो सर फिर ये होना क्या चाहिए कि भाई एफर्नेन मंडीगो ने एडमंड डेंटिस पर झूठे इल्जामात लगवाए, सही गद्दारी के, सही ना, उसको डिफेम कराया, बदनाम कराया, अदालत में उसको घसीटा गया, 14 साल उसकी जिंदगी के जाया कराए गए, सही ना, और मर्सिडीज को तो छीन लिया गया। तो अब यही सब कुछ एडमंड डेंटिस भी किसके साथ करेगा? फर्नेन मंडीगो के साथ। यानी एडमंड का ही कहना था कि चूंकि मुझे बेइज्जत किया गया तो बदले में मैं भी क्या करूंगा, मैं भी इसे दुनिया के अंदर बेइज्जत कराऊंगा। अब वो कैसे कराएगा ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो फिलहाल एडमंड डेंटिस तो जेल से भागा, लेकिन हमने आपको बताया भागा क्यों है, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए। अब बदले का उसूल तो हमने बताया कि भाई बदला तो एक तो ये होता है कि भाई जेल से निकलता, घर जाता, फर्नेंड के मुक्का उक्का मार देता, उसको हलाक कर देता। लेकिन आप ये जानते हैं कि एडमंड का उसूल क्या है? एडमंड कहता है कि अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया, मेरी रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाया, तो कहता है मैं उसे हाथ नहीं मारूंगा या मैं उसको हाथ से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं भी उसको दुनिया के सामने क्या करूंगा, डिफेम करूंगा, बदनाम करूंगा। सही। तो फिर क्या होता है भाई, एडमंड डेंटिस जेल से भागता है। आपके ख्याल में भाग के कहां जाना चाहिए था? आप ये सोच रहे होंगे सर ये फर्नेंडो घर जाएगा बदला लेने, लेकिन नहीं, असल में एडमंड भागा, और भागा तो ऐसा भागा कि वो अपने मुल्क से ही भाग गया। और कहा ये जाता है मुल्क से भागा तो वो कहां भागा, वो चला गया था किसी अरब कंट्री चला गया था। किताब में कहीं पे भी मेंशन नहीं कि वो कौन सी अरब कंट्री गया था, लेकिन एक जगह पर एक जरा सी हिंट दी गई है, वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो हमें उससे पता चला कि ये कहां भागा था, ये अरब कंट्री भागा था। सही। कौन सी अरब कंट्री थी ये किताब में कहीं मेंशन नहीं। फिर ये कहा जाता है कि एडमंड डेंटिस जब अरब कंट्री चला गया, एक नई जगह चला गया, तो फिर इसने क्या करा, अपनी एक नई आइडेंटिफिकेशन बनाई, इसने अपनी एक नई शिनाख्त बनाई, और इसने वहां जाकर अपना नाम एडमंड डेंटिस नहीं रखा, बल्कि क्या रखा इसने अपना नाम रख दिया वहां पर मोंटी क्रिस्टो। सही। मोंटी क्रिस्टो नाम रख लिया था इसने अपना। सही ना। और चूंकि सबसे पहले जरूरत थी कुछ कमाने की, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो बिल्कुल बेसरो सामान था, तो इसने बड़ी मेहनत करी, और कहा जाता है कि चूंकि हीरो था ये, सही ना, तो ये मेहनत करता गया, कामयाब होता गया, मेहनत करता गया, कामयाब होता गया, और इतना कामयाब हो गया कि ये अरब का नवाब बन गया। सही ना। और ऐसा कैसे हो गया, इसका एक ही जवाब है, ये हीरो है। और हीरो तो आप जानते हैं अचानक से अमीर भी हो जाते हैं, अमीर से दौलतमंद भी हो जाते हैं। सही ना। तो लॉजिक क्या है कि मोंटी क्रिस्टो थोड़े अरसे के अंदर क्या बन गया था, ये बन गया था काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। सही। अब सवाल ये है कि अब इसके पास इतनी दौलत आ गई है कि शायद ये फर्नेंड मंडीगो यानी काउंट ऑफ मॉर्सफ से भी कई गुना ज्यादा अमीर हो चुका है, और अच्छी खासी इसके पास दौलत आ गई है, और इसकी एक नई आइडेंटिफिकेशन बन गई है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। अब सवाल ये सर इसने अरब कंट्रीज में कितना वक्त गुजारा, कहा जाता है किताब में नहीं लिखा हुआ, नहीं है ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है। सही ना। कि तकरीबन इसने अरब कंट्रीज के अंदर कितना वक्त गुजारा, तकरीबन 8 साल गुजारे इसने अरब कंट्रीज के अंदर। सही। तो याद है बात क्लियर होगी, यानी 8 साल अरब कंट्री, देखो 14 साल तो जेल में गुजार ली, यहां से भाग गया अरब कंट्री में, मजीद 8 साल लगाए, और 8 साल के अंदर ये अच्छा खासा क्या हो गया था, ये अमीर हो चला था। ठीक है जी। अब लॉजिक क्या है, अब अमीर तो हो गया, सवाल ये है कि सर अमीर होने के साथ साथ अरब कंट्री में रहते हुए इसने अरब का एक और उसूल सीखा। अरब का एक और उसूल क्या था वो हम आपको बता देते हैं। अरब का एक और उसूल इसने क्या सीखा, इसने अरब का ये उसूल सीखा जो अरब के लोग आज भी शायद फॉलो करते होंगे। वो उसूल ये था कि नेवर टू ब्रेक ब्रेड एट द हाउस ऑफ
एट द हाउस ऑफ डेडली एनिमी। यानी अरब के लोगों का एक उसूल है कि अरब के लोग अपने दुश्मन के घर चले तो जाते हैं, किसी मसलहत के तहत चले तो जाते हैं दुश्मन के घर, लेकिन अरब के लोग अपने दुश्मन के घर जाके कभी कुछ खाते पीते नहीं है। तो इसीलिए इसने अरब में रहकर एक और उसूल सीखा, क्या कि नेवर टू ब्रेक ब्रेड एट द हाउस ऑफ डेडली एनिमी, कि अरब के लोग अपने दुश्मन के घर चले तो जाते हैं लेकिन उसके घर का दाना पानी नहीं चखते, सही ना। तो ये उसूल भी इसने क्या कर लिया था, अपनी जिंदगी में ऐड कर लिया था। पहले उसूल इसका क्या था कि दुश्मन का यानी किसी ने अगर हमारे साथ बुरा किया है तो हम भी उसके साथ वही बुरा करेंगे और उतना ही बुरा करेंगे। फिर अरब कंट्रीज में रहते हुए इसने एक उसूल और सीख लिया कि नेवर टू ब्रेक ब्रेड एट द हाउस ऑफ डेडली एनिमी, कि अरब के लोग जो है वो अपने दुश्मन के घर चले तो जाते हैं लेकिन उसके घर का दाना पानी नहीं खाते। चले भी देख लीजिए, अब चलिए देख लीजिए। तो अब सिलसिला क्या है, अब यह है कि हमारे जो एडमंड डेंटिस साहब थे ये जेल से फरार होकर बन गए हैं काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो, और हमने आपको इनकी जिंदगी के दो प्रिंसिपल्स भी बता दिए। एक इनका पहले का प्रिंसिपल था कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो, और एक इन्होंने अरब कंट्री में रहते हुए नया प्रिंसिपल सीखा है कि दुश्मन के घर चले तो जाते हैं पर खाते पीते नहीं। अब हम आपको जरा एक और बात बता देते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि वॉर जो हुई थी, वॉर सही ना, और वॉर के अंदर जिसमें वो कैप्टन फर्नेंड जो है वो कप्तान बन गया था और धोखा वगैरह दिया था, वो वॉर कब हुई थी, वो हुई थी 1823 में। तो ये ईयर जो है हमने आपको बताया नहीं था, तो हमने तो सोचा कि चले मेंशन कर देते हैं। तो 1823 में वो वॉर हुई थी जिसमें कैप्टन फर्नेंड ने जो है अपने मुल्क को धोखा दिया था, चीट किया था, ठीक है। एक बार अब हम आपको क्या बताते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि एडमंड डेंटिस अरब कंट्री में रह रहा है 8 साल से। अब हम लगाते हैं एस्टिमेशन इसकी एज का। अब आप सोचें कि जब ये बिल्कुल यंग था, एक यंग सेलर था, कश्ती चलाता था, जब इसकी मर्सिडीज से एंगेजमेंट हुई थी, इनका एक कहले रिलेशन चल रहा था, उस वक्त इनकी एज तकरीबन 20 या 22 साल रही होगी अंदाजा। किताब में कहीं पर भी मेंशन नहीं है एजेस का मामला। फिर उसके बाद अगर हम मिसाल दें आपको कि इसने तकरीबन 14 साल कहां गुजार लिए, अरब कंट्रीज में गुजार लिए, तो अब इसकी एज क्या बन जाएगी, तकरीबन 36 या फिर 34 साल ऐसे ही। फिर हमने आपको बताया कि 8 साल इसने कहां लगा लिए, अरब कंट्रीज में लगा लिए, तो अब इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तकरीबन 44 या 42 साल। तो अब एक इंसान जिसे हमने लास्ट टाइम देखा था कब, 20 या 22 साल की एज में, आज वो इंसान 14 साल की सजा काट के 8 साल अरब में रह के कितने साल का हो चुका है, तकरीबन 42 या 44। तो इस एज को हमने याद रखना है, सही ना। चलें जी, तो अब सीन क्या है, एजेस आपको याद रहेंगी, तकरीबन 42 या 44 इयर्स का अभी ये हो चुका है। इस एज के बारे में मैं आपको आखिरी आगे चल के एक और बात बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ एज याद रखिएगा। अब सीन क्या है, सवाल ये सर आप शुरू से बता के चले रिवेंज रिवेंज रिवेंज, कहां गया सर रिवेंज, अभी तक रिवेंज नहीं आया, बदला नहीं हुआ अभी तक। तो भाई बदला लेने के लिए बंदे को पहले अपने आप को इस काबिल तो बनाना पड़ता है ना कि बदला ले सके। तो अब एडमंड डेंटिस इस काबिल है कि अब वो एक तो एडमंड नहीं है, काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो है, और अब वो दुनिया की नजरों से बिल्कुल गायब है। 8 साल 14 साल तो खैर जेल में रहा, और अगर पुलिस उसे ढूंढ भी रही होगी वहां की, तो 8 साल हो गए, पुलिस भी जाएगी ढूंढ ढूंढ के थक गई होगी, और उसे समझा होगी शायद ये मर मर गया या फिर ये कहीं फरार हो गया, तो पुलिस के रिकॉर्ड में से भी तकरीबन ये 8 साल हो गए इसको गायब हुए हुए, तो अभी तकरीबन गायब ही हो गया होगा, सही ना। अब कहा जा रहा है, अब हम आते हैं इंटरमिशन में। इंटरमिशन क्या है हमारा, काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो अपने कुछ सर्वेंट से कहता है कि चलो भाई चलो, अपने सर्वेंट से क्या कहता है कि चलो भाई तुम लोगों को कहां जाना है, तुम लोगों को जाना है कहां पर, पेरिस जाना है, और पेरिस जाकर तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें एक खटारा से मछेरों के फिशरमैन के इलाकों में जाना है तुमने,
और वहां पे तुम्हें एक फिशरमैन मिलेगा जिसका नाम होगा फर्नेंड मंडीगो, सही ना? और ये जो फर्नेंड मंडीगो होगा, इसकी बीवी होगी जिसका नाम क्या होगा, मर्सिडीज होगा। जाओ जाके चेक करो अब ये किन हालात में है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो इसके नौकर वोकर जाते हैं और जाकर वही गंदे संदे इलाकों में जाते हैं, मच्छरों के इलाके में, और जाकर पूछते हैं भाई वो फर्नेंड मंडी को रहता था यहाँ पे, फिशरमैन जो है वो जो है ना वो रहता था यहाँ पे, और मर्सिडीज थी एक, तो वो लोग कहाँ चले गए। तो लोगों ने बताया कि भाई आप जरा तमीज से बात करें, वो कोई मछेरे वछेरे नहीं है, अब वो क्या बन चुके हैं, वो तो काउंट ऑफ मॉर्सव बन गए। और जिनको आप उनकी वाइफ बोल रहे थे मर्सिडीज को, बन गई क्या काउंटेस ऑफ मॉर्सव, और अब वो यहाँ कोई छोटे मोटे मकान में रहते हैं, वो एक बहुत लग्जूरियस किस्म के हाउस में रहते हैं, एक बहुत जबरदस्त किस्म के अपार्टमेंट में रहते हैं, सही ना? तो ये सारी बातें पता चली, तो वो बेचारे नौकर वापस गए अपने साहब के पास और जाकर बोला सर आप तो कह रहे थे कि वो फिशरमैन है, मछेरा है, ऐसा है वैसा है, गंदा संदा मैला सा है, खराब से इलाके में, वो तो लोग कह रहे हैं ये तो बहुत अमीर आदमी है, काउंट बन चुका है, नवाब बन चुका है। तो मॉन्टी क्रिस्टो भी बड़ा हैरान होता है कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया। तो फिर मॉन्टी क्रिस्टो अपने सर्वेंट्स को दोबारा भेजता है और कहता है जाओ जाकर दोबारा पूरी हिस्ट्री निकाल के लाओ इसकी, के मछेरे से लेके इस नवाबी तक का सफर पता करके आओ। तो फिर बेचारे नौकर जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ढूंढते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो पता चलता है कि हाँ भाई फर्नेंड मंडी को पहले मछेरा होता था, लेकिन 1823 के अंदर एक जंग हुई थी जिसमें टर्की वालों ने हमला किया था, तो फ्रेंच लोगों ने क्या किया था, आवाम से अपील की थी कि वो फौज में शामिल हो, और उस फौज में शामिल होने के दौरान फर्नेंड भी क्या हो गया था, वो फौज में शामिल हो गया था, फिर वो कैप्टन बन गया था, फिर उसको यानीना भेजा गया था, वहां पे शिकस्त हो गई थी, सही है ना, वहां पे किला वगैरह जो है वो हार गए थे, टर्की वालों ने कब्जा कर लिया था, सही ना? और उसके बाद फिर जो है ना फर्नेंड ने जॉब छोड़ दी थी, और फर्नेंड फिर क्या हो गया था, एक आम से कारोबार में लग गया था, और फिर उसके बाद जो है ना तरक्की मिल गई, और फिर वो बहुत अमीर आदमी बन गया। किसी को भी अभी तक ये नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हासिल किया इसने, गद्दारी से हासिल किया है। तो जैसे ही काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने सुना कि अच्छा ये आर्मी में गया, सही ना, और फिर आर्मी ने जिसको जहां पर लोकेट किया वहां पर शिकस्त हुई, तो मोंटे क्रिस्टो समझ गया कि ये बहुत चालाक आदमी है फर्नेंड, यकीनन शिकस्त हुई नहीं होगी, इसी ने गड़बड़ करवाई हो कुछ। तो फिर मोंटे क्रिस्टो अपने सर्वेंट से कहता है कि ठीक है अब तुम लोगों का काम खत्म हो गया, अब मेरा काम स्टार्ट होता है। तो आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं, आज काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो कितने सालों के बाद, यानी समझ लें कि 14 साल जेल में रहने के बाद, 8 साल अरब में रहने के बाद, तकरीबन समझ लें 22 सालों के बाद, ये दोबारा से अपने शहर पेरिस की तरफ क्या होता है, रवाना होता है, सही ना, अपने आबाई घर की तरफ रवाना होता है। और कहा ये जा रहा है कि सबसे पहले ये कहाँ का रुख करता है, ये वहां से होते हुए कहाँ जाता है, ये यानीना जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यानीना वो जगह है जहां से काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को एविडेंस मिल सकता है किसके खिलाफ, उस फिशरमैन, उस मछेरे, उस कैप्टन फर्नेंड के खिलाफ, ठीक है ना। तो यानीना में जाकर काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो पुराने पुराने लोगों से मिलता है, बूढ़े बूढ़े लोगों से मिलता है जो वो उस वक्त जवान होंगे या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है 22 साल पुरानी बात हो गई। तो कहा ही जा रहा है कि मोंटे क्रिस्टो पुराने वाले लोगों से मिलता, सबसे पूछता है कि सर यहाँ यानीना में क्या हुआ था, शिकस्त कैसे हुई थी, सब कुछ मालूम ही नहीं तो सेवन में हुआ क्या है। कहा जाता है यहाँ पर यानीना में मोंटे क्रिस्टो को कौन मिलती है, एक स्ट्रेंज लेडी मिलती है, एक ओल्ड स्ट्रेंज लेडी, एक बूढ़ी, एक अजनबी औरत मिलती है, और ऐसे ही मोंटे क्रिस्टो से पूछता है कि आंटी ये यानीना में शिकस्त हुई थी, दुश्मनों ने हमला किया था, सरेंडर हो गया था इलाका, ये तो क्या हुआ था। तो ये जो बंदी है ये मोंटे क्रिस्टो को बताती है कि असल में वहां पर हुआ क्या था, क्योंकि ये वहीं की रहने वाली थी तो इसको इलाके का पता था क्या मसला मसल। तो इसने बताया था कि हम हारे नहीं थे बल्कि हमें हरवाया गया था, और हमारा अपना ही एक कप्तान था जिसका नाम था कैप्टन फर्नेंड, सही ना, इसने गद्दारी की थी और ये दुश्मनों के साथ मिल गया था, और इसने अपने मुल्क को बिट्रे किया था, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, सही ना, और इसको रिश्वत भी मिली थी, और ये टर्की वालों के साथ मिल गया था, और इसकी वजह से हमारा ये यानीना क्या हो गया था, ये सरेंडर हो गया था, दुश्मनों के हाथ चल गया था। तो अब सीन क्या है, तो मोंटे क्रिस्टो कहता है कि आंटी अगर आपको ये सारी रिपोर्टें पता है तो क्या आप चलकर गवाही देंगी।
तो ये ओल्ड स्ट्रेंज लेडी कहती है कि हाँ मैं जब भी आपको जरूरत पड़ेगी गवाही देने की मैं वहां पर जरूर आऊंगी और मैं गवाही दूंगी। सही ना। अब आप गौर कर रहे हैं कि मोंटे क्रिस्टो का उसूल क्या था, एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, आंख का बदला आंख और दांत का बदला दांत। यानी कि मोंटे क्रिस्टो के साथ जो कुछ हुआ अब वही कुछ किसके साथ होने वाला है, फर्नेंड के साथ भी होने वाला है। लेकिन फर्क क्या होगा कि फर्नेंड ने जो कुछ मोंटे के साथ किया था वो सब झूठा था, फेक था, लेकिन अब मोंटे क्रिस्टो जो कुछ इस फर्नेंड के साथ करेगा वो सब कुछ क्या होगा, रियल और सच होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि फर्नेंड मंडिगो ने एडमंड के खिलाफ झूठे एविडेंस दिए थे, लेकिन एडमंड डेंटिस फर्नेंड के खिलाफ सच्चे रियल ट्रू एविडेंसेस लेके आएगा। तो एक एविडेंस तो इसको ये मिल गया, ओल्ड स्ट्रेंज लेडी, यानी कि एक आई विटनेस मिल गया। अब हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो जब हमें पता चला कि इसने टर्की वालों से रिश्वत ली थी, तो वहीं से मोंटे क्रिस्टो रवाना हो जाता है, कहां की तरफ, वो रवाना हो जाता है टर्की की तरफ। और टर्की में जाकर वो उन पुराने ऑफिसर्स से मिलता है जो उस आर्मी में शामिल थे, जो जंग में शामिल थे, सही ना, जिन्होंने यानीना पर कब्जा किया था। और उनसे मिलकर ये पूछता कि सर बताएं कि ये शिकस्त कैसे हुई थी, आपको कैसे आपने जीता था। तो उन ऑफिसर ने बताया कि भाई हमने जीता भी था नहीं था, बल्कि वहां का एक कैप्टन फर्नेंड था, हमने उसको खरीद लिया था, सही ना, और उसने हमें सब कुछ सरेंडर करवा दिया था। तो फिर मोंटे क्रिस्टो ने उन ऑफिसर से पूछा, टर्की ऑफिसर से, कि भाई आप बताएं कि क्या वो जो आपने यानीना का कब्जा किया, रिश्वत दी, तो यकीनन आपने जो रिश्वत दी, तो वो ऑफिसर बताते हैं कि भाई सिर्फ रिश्वत नहीं दी, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राइब दी थी, बहुत बड़ी रिश्वत दी थी हमने कैप्टन फर्नेंड को, और उसके नतीजे में क्या हुआ था। तो फिर क्या काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो कहता है कि भाई आपने उसको रिश्वत दी थी तो कोई रिसीविंग भी तो ली होगी ना आपने, भाई ऐसे ही इतना सारा पैसे कैसे दे सकते हैं आप। तो वो ऑफिसर्स कहते हैं जी हाँ हमने उससे बाकायदा तौर पर रिसीविंग ली थी, हमने उसके साइन कराए थे, हमने उसके थंब लगवाए थे, हमने उसकी स्टैम्प्स लगवाई थी, और बाकायदा वो डॉक्यूमेंट पर हमने उसे साइन कराया था रिश्वत देते हो। तो फिर मोंटे क्रिस्टो कहता है वो फाइल्स अगर आप मुझे दे दें और जितनी कीमत आप लेना चाहें उसकी मुझसे ले लीजिए। तो वो ऑफिसर्स कहते हैं कि भाई वो फाइल्स हमारे पास तो है नहीं, जाहिर सी बात है वो तो कॉन्फिडेंशियल होती है, ऑफिशियल चीजें होती है, वो तो गवर्नमेंट में होती है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में होती है। तो फिर मोंटे क्रिस्टो कहता है ठीक है। फिर मोंटे क्रिस्टो गवर्नमेंट ट्रेजरीज की तरफ जो है ना लोगों को ढूंढता है और वहां जाकर बे इंतहा पैसा खर्च करता है, लोगों को पैसा देता है, और वो ओरिजिनल फाइल्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलवाता है जिस पर कैप्टन फर्नेंड के साइन, अंगूठे, स्टैम्प्स वगैरह लगी हुई थी और रिश्वत की रिसीविंग थी। वो तमाम ओरिजिनल एविडेंसेस लेकर मोंटे क्रिस्टो फाइनली कहां आ जाता है, अपने आबाई शहर पेरिस आ जाता है। अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि जब ये पेरिस आता है तो पेरिस में ये जब आता है तो उसकी बड़ी धूम मच जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी पर्सनैलिटी बड़ी आउट क्लास थी, और प्लस अब तो ये नवाब बन चुका है तो इसकी पर्सनैलिटी और जबरदस्त हो चुकी है, सही ना, एक बादशाहों की तरह इसका प्रोटोकॉल है, सही ना, क्योंकि बहुत अमीर आदमी है। तो बड़े पेरिस के अंदर ना पूरे पेरिस में धूम मची हुई है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के आने की। खैर आप ही जानते हैं कि जब काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो पेरिस में आकर रहना शुरू करता है तो यहां पर कहा जाता है एक इंसिडेंट या एक एक्सीडेंट समझ ले आप। अब वो एक्सीडेंट क्या था ये तो मेंशन नहीं है, बल्कि एक एक्सीडेंट और एक इंसिडेंट का नाम दिया हुआ है कि एक हादसे में मोंटे क्रिस्टो एक बंदे की जान बचाता है। और वो बंदा कौन होता है आप ये जानते हैं, मोंटे क्रिस्टो जान बचाता है किसकी, अल्बर्ट की जान बचाता है। अब सवाल ये सर इतने बड़े पेरिस में जान बचाने के लिए मिला तो मर्सिडीज का बेटा अल्बर्ट ही मिला, तो भाई ये कहानी है, ऐसी बात है, कहानी में तो ऐसे ही होता है। तो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने एक बंदे की जान बचाई, लड़के की जान बचाई, और मोंटे क्रिस्टो नहीं जानता था कि ये कौन है, उसने तो एक इंसानी हमदर्दी के तहत जान बचाई इसकी। तो मोंटे क्रिस्टो ने अल्बर्ट को एक हादसे में उसकी जान को बचा लिया फाइनली, और फिर इसके बाद जो है ना कहा जाता है इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, मोंटे क्रिस्टो की और अल्बर्ट की क्या हो जाती है, एक फ्रेंडशिप हो जाती है, अच्छी दोस्ती हो जाती है, मिलना जुलना रहता है, गपशप रहती है। और फिर आप ये जानते हैं कि चूंकि अब दोस्ती हो गई है तो अल्बर्ट जो है मर्सिडीज को अपने घर, सॉरी अल्बर्ट जो है वो मोंटे क्रिस्टो को अपने घर पर भी इनवाइट करता है। और आप ये जानते हैं बहुत जमाने के बाद जब काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, यानी के जिसको हम जानते हैं किस नाम से, एडमंड डेंटिस के नाम से, जब ये जाता है अल्बर्ट के घर, तो आप ये जानते हैं असल में अल्बर्ट का जो घर है वो इसकी मदर यानी मर्सिडीज का घर है।
और पहली मर्तबा बहुत सालों के बाद, यानी 14 साल जेल वाले और 8 साल अरब कंट्रीज वाले, 22 सालों के बाद मोंटे क्रिस्टो की मुलाकात कहने ओकेजनली हादसाती तौर पर जो है वो किससे हो जाती है, मर्सिडीज से हो जाती है। और आप अंदाजा करें 22 सालों के बाद मोंटे क्रिस्टो ने मर्सिडीज को देखा और मर्सिडीज ने मोंटे क्रिस्टो को देखा। सवाल ये है कि मर्सिडीज जिस एडमंड को जानती थी, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट हो चुकी थी, वो मर्सिडीज 22 सालों के बाद क्या मोंटे क्रिस्टो को पहचान पाएगी? तो सवाल ये है, जाहिर सी बात है बिल्कुल पहचान पाएगी, ठीक है ना भाई। जाहिर सी बात है शक्ल में थोड़ा बहुत चेंज आ गया है, थोड़ा एजिड हो गया है, सही ना, पहले यंग लड़का था अब एक आदमी हो गया है, ठीक है ना। और मर्सिडीज भी जाहिर सी बात है पहले बिल्कुल यंग लड़की थी, अब वो भी क्या हो चुकी है, एक औरत हो चुकी है, ठीक है ना। उनकी भी एज तकरीबन इतनी हो गई होगी जितनी किसकी हो गई मोंटे क्रिस्टो की। लेकिन बार इन शॉर्ट पहचान तो दोनों ने लिया, लेकिन किसी ने भी अपने माजी को डिस्कस नहीं किया क्योंकि अल्बर्ट सामने था। और तकरीबन मर्सिडीज और मोंटी अब दोनों इस बात को डिस्कस करना भी नहीं चाहते थे, है। और जाहिर सी बात है अब मोंटे क्रिस्टो की जिंदगी में मर्सिडीज की एज सच कोई वैल्यू रही भी नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है मर्सिडीज की शादी किससे हो चुकी है, फर्नांड मंडेगो से हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है, ठीक है ना। तो बहरहाल याद बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है जी। तो अब अल्बर्ट और मोंटे क्रिस्टो का आना जाना चलता रहता था, मर्सिडीज की भी मुलाकात होती रहती थी, अब प्लस इनडायरेक्टली दोनों जानते थे एक दूसरे को, लेकिन कभी किसी ने भी एक्सपोज नहीं किया, किसी ने एक दूसरे को बताया नहीं कि मैं मोंटी या मैं वही एडमंड हूँ या मैं वही मर्सिडीज हूँ, ठीक है ना। जब भी मोंटी आते थे तो वो मोंटी बन के आते थे, कभी एडमंड बन के नहीं आते थे। जब मर्सिडीज मिलती थी तो वो काउंटेस ऑफ मॉर्सब बन के मिलती थी, कभी मर्सिडीज बन के नहीं मिलती थी, ठीक है जी। अब सीन क्या होता था, जब भी कभी मोंटे क्रिस्टो मर्सिडीज के घर आता था, सही ना, तो कहा जा रहा है कि जब भी वो आता था तो इनके घर आता था, बातचीत करता था, सलाम दुआ करता था, ठीक है। लेकिन कभी इनके घर पर आकर वो इनके ना घर का पानी पीता था, ना कभी इनके घर का कोई दाना पानी खाता था। अब इसकी वजह तो आप खुद समझ सकते हैं, हमने आपको बताया था मोंटे क्रिस्टो का दूसरा प्रिंसिपल, और वो दूसरा प्रिंसिपल क्या था, वो दूसरा प्रिंसिपल ये था कि नेवर टू ब्रेक ब्रेड एट द हाउस ऑफ डेडली एनिमी, के अरब के लोग, चूंकि अब जाहिर सी बात है मोंटे क्रिस्टो कहां का हो चुका है, अरब का हो चुका है, ठीक है ना। तो अरब के लोगों का ये ट्रेडिशन था, ये रिवाज था, जो कस्टम था उनका, कि नेवर टू ब्रेक ब्रेड एट द हाउस ऑफ डेडली एनिमी, कि कभी भी दुश्मन के घर चले तो जाते हैं लेकिन खाते पीते नहीं है,